बड़ी वैलिड बात है, ये बड़ा जरूरी है वेंटिलेशन मेडिकल तरीके से, आपको डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने बताया। और बड़ा आम इंसान खुद क्या कर सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। अगली जो चीज है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, इसको देखें आप, ये एक और चिंता का विषय, खासकर बच्चों की अगर बात करें। प्ले करें, कोरोना संक्रमित बच्चे हो रहे हैं इसका शिकार। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से, क्या है ये भी समझे। संक्रमण के दौरान बच्चों को 24 घंटे में बुखार। नेक्स्ट, नसों और मांसपेशियों में धीरे धीरे सूजन। नेक्स्ट चेंज करें, बच्चों में संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, कावासाकी जैसी बीमारी के तरह ही लक्षण होते हैं। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर बीमारी से पूरे शरीर में टॉक्सिक फैल जाता है। नेक्स्ट चेंज करें, दिल किडनी लिवर जैसे अंग काम करना बंद कर देते हैं। कोरोना संक्रमित 1000 बच्चों में से 2 की बीमारी ये। और फिर यहां पर ये IVIG दवा से हो रहे हैं ठीक, ये एक और चीज हमारे सामने आई है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो इसके लक्षण क्या है, लक्षण जरा ध्यान से देखें। तेज बुखार नंबर 1, नंबर 2 पेट में दर्द, लाल आंखें, लाल चकत्ते, चिड़चिड़ापन, हाथ पैर में सूजन, कमजोरी, उल्टी, दस्त, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये वो चीजें जो सामने आ रही हैं। लेकिन ये तीनों बीमारी बताने के बाद परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।